निकला है, तो उसकी मानसिकता भी वही होगी। और आज की डेट में कमर्शियलाइजेशन हेल्थ सर्विसेज का इतना हो गया है कि कुछ लोग कुछ पैसा लेके वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं और इन्फेंटिसाइड्स को प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने काफ़ी सारे लॉस, स्ट्रिक्ट लॉस पास किए हैं और पुलिस भी काफ़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीज़ें हो रही है समाज में। तो इसके लिए ये है कि हमारे में एथिक्स की कमी है। जो एथिक्स है उसको थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, जो एंशियंट समाज में होता था कि हम एक बच्चे को बच्चे की तरह देखें, ना कि एक पुरुष और एक महिला की तरह। नहीं, तो जिस तरह से डॉक्टर डॉक्टर का जहाँ पे भूमिका होती है कि अगर डॉक्टर उस चीज को बढ़ावा ना देगा, अगर ना करेगा सामाजिक तौर से देख के, कमर्शियल ना देख के, कि कमर्शियल थोड़ा सा हट के आए, जो कमर्शियल नहीं करना है। सरकार ने लगा रखा है, लॉ है, सरकार ने इतनी सारी चीजों को प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उस चीज को करने का पूरे वो करता है भ्रूण हत्या, वो तो डॉक्टर नहीं होता है उसमें। डॉक्टर बिल्कुल होता है, डॉक्टर ही तो होता है जो कि आपको बताता है कि आने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो डॉक्टर्स में तो एथिक्स की कमी आ रही इसमें है। क्या रोकथाम, किस तरह से ऐसा होना